सीरियल पटियाला बेब्स में बबीता और मिनी हैं बेहद परेशान। जब से डिवोर्स केस चल रहा है तब से बबीता और मिनी के घर में पैसों की तंगी हो गई है और मिनी अपनी बेब्स के लिए नौकरी तलाश रही है, लेकिन मिनी के हाथ सिर्फ नाकामयाबी लग रही है। सीरियल पटियाला बेब्स में चल रही है पैसों को लेकर जबरदस्त टेंशन, जहां एक और बबीता और अशोक के बीच डिवोर्स केस चल रहा है, वहीं दूसरी ओर मिनी अपनी बेब्स के लिए लगातार जॉब सर्च कर रही है। लेकिन अफसोस, मिनी के हाथ लग रही है सिर्फ नाकामयाबी। अरे ऐसे कैसे कह सकते हो? जॉब मना कर दिया। और वो क्या कह रहे थे? हाँ, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलरेडी आप पे है, इतना सब कुछ कैसे करोगे, कैसे मैनेज करोगे, गॉड नोज व्हाट नॉट। अरे आप ही मुझे एक बात बताओ दादी माँ, बेब सिंगल मदर है, सिंगल पेरेंट है, इसलिए तो उसे ये जॉब की जरूरत है। लेकिन नहीं, उन्हीं को जॉब देंगे जो बेटे रॉक, उनको जॉब नहीं देंगे जिन्हें एक्चुअली जरूरत है। इट इज सो अनफेयर यार। मैं जॉब की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं उठा पाऊंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा अपने पर्सनल। यस एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, कि गलत है ना दादी अम्मा? दुनिया में कितना कुछ गलत हो रहा है लड़कियों, कहां तक हर किसी से लड़ती थी। देखिए तो जरा आज मिनी कितनी ज्यादा परेशान है और अपनी बेब्स की हालत देखकर मिनी समझ नहीं पा रही है कि ऐसे हालातों में वो करे भी तो क्या करे। हालांकि मिनी ने सोच रखा है कि वो किसी भी कीमत पर अपनी बेब्स की जॉब लगवा कर ही रहेंगी। अब आगे क्या करना है, कुछ सोचा है कुड़ियों? चलिए अब बिना वक्त जाया किए आपको बबीता और मिनी के पास लेकर चलते हैं और जानते हैं इस टेंशन भरे माहौल के बारे में। ये तो सब जानती हैं कि अब अगले पड़ाव पे हम लोग पहुंच चुके हैं, जहाँ पे जिम्मेदारियाँ बहुत हैं सर पे और पैसे हमारे पास बहुत कम बचे हैं। तो बस जॉब की एक शुरुआत है और उसी में बहुत सारे टेंशन चल रहे हैं, जद्दोजहद चल रही है। ज़्यादा डिटेल तो नहीं बता सकती, जैसे मिली ने बताया आगे के एपिसोड्स हैं। नहीं ऑब्वियसली, बट जैसे आपने इस वीक में भी देखा होगा डिवोर्स केस चल रहा है, तो डिवोर्स में भी इतना पैसा स्पेंड हो जाता है, प्लस हमारे मंथली एक्सपेंडिचर्स, बाकी के एक्सपेंडिचर्स, एंड हमारे पास उतने पैसे हैं नहीं, ना ही हमारे बैंक अकाउंट में, ना ही मैं चेंज कलेक्ट कर करके 10 रुपए 100 रुपए ऐसे करके हम तो लोगों को पे कर रहे हैं जो भी हमें पे करना हो रहा है। चली गई मेरी बेटी, डायमंड रिंग भी चली गई हमारी नकली बहनी। तो मिनी आपने क्या सोचा है, अब कैसे मदद करेंगी आप अपनी मम्मी की? वेल मुझे पता चलता है कि हमारे बैंक अकाउंट में भी कुछ प्रॉब्लम हो गई होती है जिसकी वजह से हमारे वो पैसे भी चले जाते हैं। And obviously, as Mini has supported babes in every aspect, in every stage, हर पड़ाव में उन्होंने किया है, इसमें भी हम साथ में वर्कआउट करके we will get over this, but कैसे करना है, क्या करूँगी, हम शेयर करेंगे या एक दूसरे से छुपाएंगे, उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा। वैसे बबीता, अक्सर देखने को मिलता है कि बच्चे जब माँ की मदद करने चलते हैं तो माँ बच्चों को अपनी मदद करने से मना कर देती है। क्या आप भी मिनी को अपनी मदद करने से मना कर देंगी? हाँ, जैसे अभी मिनी की एज हुई नहीं है जॉब करने की, तो डेफिनेटली ये, और ये एक्चुअली घर चलाने की जिम्मेदारी माँ बाप की ही होती है। बच्चों को तो, मिनी को तो मैं प्रेशर दे नहीं सकती, उसे पढ़ाई करना है, आगे का फ्यूचर देखना है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। चूँकि मैं पूरी ज़िंदगी हाउसवाइफ रही हूँ तो बहुत मुश्किल है अचानक से पैसे कमाना, पर यही तो हमारी कहानी की खूबसूरती और हमारी जर्नी है कि कैसे एक साधारण सी हाउसवाइफ अपने कंफर्ट जोन में से बाहर निकलकर बड़े बड़े चैलेंजेस लाइफ के एक्सेप्ट करती है और उस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाती है। हर मोड़ पे मुश्किल है, मुसीबतें हैं, पर वही हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ है और हर मुश्किल को हम पार करते जा रहे हैं डिटर्मिनेशन के साथ, एक दूसरे के सपोर्ट के साथ। वेल, अब देखना ये होगा कि इस मुश्किल वक्त में मिनी कैसे देंगी बबीता को उनकी सपनों की उड़ान।
मुंबई से अपर्णा द्विवेदी की रिपोर्ट E24।